अभी हम आए हुए राप्ती नदी का ये पावन तट आपको दिख रहा है, और यहाँ पे इसका जो जल स्तर है दिन पे दिन बढ़ रहा है, आपके सामने जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है इसके बारे में पूरी हमको जानकारी देंगे कि इसका जल स्तर कब से बढ़ रहा है। और हम बताते चलें कि ये जो राप्ती नदी है, नेपाल में जो लगातार बारिश हो रही है उसका जो पानी है उसी से ये इसका जल स्तर बढ़ रहा है। तो हमको बताएंगे कोयल जी यहाँ पे हैं, कोयल जी बताइए कब से बढ़ रहा है इसका पानी जो है। 18-15 दिन गई है, उसके बाद बढ़ोतरी चालू है। तो कितना ये बढ़ा आई है, शुरुआत में कितना था, अब तक कितना हो चुका है? शुरुआत में कम से कम 7 फुट नदी पानी था, इस समय नदी में पानी कम से कम 20 फुट से ऊपर हो गया है। 20 फुट ऊपर खतरे के निशान से कितना ऊपर बह रहा है ये? खतरे के निशान से कम 1.5 फुट के लमसम में गई। तो अभी जो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, तो अभी कितनी गांवें प्रभावित हो चुकी हैं? कम से कम ना इस बहरामपुर एरिया में 5-6 6-7 गांव हो, 6-7 गांव इसमें प्रभावित हो चुकी हैं, और दिन पे दिन इसका असर बढ़ ही रहा है। बढ़ ही रहा है, 6 इंची 4 इंची बढ़ता रहा है, बढ़ता ही है। अच्छा, तो प्रशासन का इसमें क्या सहयोग मिल रहा है बाकी गांव वालों को? प्रशासन का अभी कोई सहयोग नहीं है। जैसे ऊपर तो दिख रहा है छावनी वगैरह लगा है, तो और क्या सहयोग मिल रहा है इसमें? कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, 900 इंदिरा चक का हम रहने वाला है, बहरामपुर में खेती है। और कुछ बोले बोलते रहिए। जो गांव जो डूब चुके हैं वहां के लोग पलायन कर चुके होंगे, उनका क्या सहयोग हो रहा है प्रशासन से? अभी कुछ नहीं हो रहा है प्रशासन की तरफ से, नाव नगरी कुछ नहीं है। हाँ, वो लोग कहाँ गए अभी? वो पानी में हल्के आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाकी उसके पानी में अपना काम कर रहे हैं। हाँ, वो सवेरे आते हैं कमाने और खाने, कमा के जाते हैं फिर पानी में हल्के जाते हैं। काम हुआ नहीं? ये है वो प्रभावित गांव बहरामपुर। आप घर देख सकते हैं कि अभी धीरे धीरे जिस हिसाब से जल स्तर बढ़ रहा है, इस घर का नीचे वाला फ्लोर डूब चुका है। जैसे कि दिन पर दिन यहाँ पे राप्ती नदी का जल स्तर में वृद्धि हो रहा है, तो हमारे साहब साथ में खड़े हुए हैं पीएससी वाहिनी के 26 बटालियन के यहाँ पे, जो है कि कोई भी ऐसी अगर स्थिति आती है तुरंत उससे निपटने के लिए, रेस्क्यू के लिए खड़े हुए। तो साहब बताइए क्या स्थिति आती है? पानी तो आज के भी लगातार बढ़ते जा रही है, आज भी कुछ पानी बढ़ा है। हमारी टीम 26 बटालियन पीएससी गोरखपुर की है, दल नायक श्री राय साहब हैं उनके हमरा हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे पास 3 बोट और एक एल्युमिनियम की बड़ी बोट, 4 बोट के साथ हम लोग यहाँ रह रहे हैं।
कोई भी स्थिति अगर खराब होती है तो उससे निपटने के लिए हम लोग सदैव तैयार रहते हैं। हम लोग पानी और लोगों गांव पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, कोई ऐसी घटना न घट पाए उसके लिए हम लोग सदैव तैयार हैं। अभी ऐसा कुछ आपको कोई घटित घटना मिला सुनने को, कुछ हुआ कोई डूबा है? अभी तक तो कोई कैजुअल्टी नहीं सुनाई दी है, सभी अभी गांव में पानी घुसा लेकिन कोई कैजुअल्टी नहीं है। कल एक घटना हुआ था जिसको हम लोग रेस्क्यू करने के लिए गए थे लेकिन वो सुरक्षित बाहर निकल गए, कोई दिक्कत नहीं। आप तो खैर यहाँ पे 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं, पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, तो आपके हिसाब से आने वाले समय में इसका क्या बढ़ सकता है, घटने क्या चांस है? अभी तो बारिश के ऊपर है, नेपाल से पानी लगातार ही छूट रहा है जिसके वजह से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके वजह से अभी भी लग रहा है कि पानी कुछ बढ़ेगा, कुछ बढ़ेगा बढ़ेगा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हैं तैयार। जहाँ अगर कोई दिक्कत हुई तो हम लोग हमेशा के लिए तैयार हैं, 24 घंटा हम लोग यहीं पर कैंप बना के अपना रह रहे हैं नदी किनारे ही। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसे निपटने के लिए हम लोग सदैव तैयार हैं। जैसे भी साहब ने बताया, देखिए कैंप भी दिख रहा है और यहाँ पे अपना रहना खाना सब कुछ है, मतलब कुल मिला के 24 घंटे निगरानी होती है। बोट आपको यहाँ दिख जा रही है, जैसे अभी दो ही बोट है यहाँ पे दिख रही है, बाकी वहाँ पे और भी आगे बोट है, तो 24 घंटे निगरानी हो रही है। यहाँ पे कोई ऐसे घबराने वाली स्थिति नहीं है, कोई रेस्क्यू के लिए 24 आवर्स यहाँ पे हमारे जो PSC के जवान हैं मौजूद हैं। ठीक है, धन्यवाद सर।